नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहां पूरे देश में कोरोना से हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं उसका असर पूरे उत्तराखंड में भी दिख रहा है, जिससे पूरे उत्तराखंड में भी संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिसको देखते हुए बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सरकार से फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग की। विधायक भट्ट का कहना है, कई लोग अनावश्यक बाजार में घूम रहे हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन में छूट देने से लापरवाही बढ़ी है। लोगों ने उस सब गाइडलाइनों को मानना बंद कर दिया, यहाँ तक कि 500 रुपया दंड का देना उचित समझ रहे हैं। मास्क पहनकर सड़क में नहीं आ रहे हैं। 1000 लोग प्रतिदिन पॉजिटिव आने लग गए, सीधे मायने संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि एक बार कड़ाई के साथ पुनः कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन राज्य के अंदर लगाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन एक बार लगेगा, कड़ाई के साथ लोगों को इस बात का एहसास होगा कि छूट इसलिए नहीं दी गई थी कि हम नियमों का की अवहेलना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से सोचेगी, और क्योंकि देश की